गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है सोनरेखा प्राइवेट आईटीआई की यूट्यूब चैनल में। आज के इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल मटेरियल एंड केबल चैप्टर से टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल को पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल केबल एंड वायर में दो प्रकार के इलेक्ट्रिकल मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। पहला जिसे हम लोग विद्युत चालक जिसे हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, और दूसरा विद्युत रोधक जिसे हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। एक कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर, इन दोनों का प्रयोग करके हम लोग किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल वायर अथवा केबल को बना सकते हैं। केबल द्वारा ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन भेजा जाता है। इस सब स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से हमारे घर तक इलेक्ट्रिकल पावर पहुंचाया जाता है। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल के अंतर्गत हम लोग तीन प्रकार के मटेरियल को पढ़ेंगे। पहला चालक जिसे हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, दूसरा अचालक जिसे हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं, और तीसरा सेमीकंडक्टर जिसे हम लोग अर्धचालक बोलते हैं। अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें चालक और इंसुलेटर दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंडक्टर, जिसे हिंदी में चालक बोला जाता है, चालक या कंडक्टर। इसको समझिए अच्छी तरीके से। कंडक्टर में बेसिकली ये गुण होता है कि इलेक्ट्रिक करंट को एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से फ्रीली ट्रेवल करने देता है। इसे हम लोग इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ चालक कहते हैं। मतलब ये इस प्रकार के मटेरियल है जिसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होता है। मतलब फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कोई भी एटम के सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। कंडक्टर के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से 8 के बीच में होता है, इसीलिए हम इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ भी कहते हैं। चालक के अंतर्गत जैसे चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम इत्यादि आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एक अच्छे चालक में क्या क्या गुणधर्म होना चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ गुड कंडक्टर। एक अच्छे चालक में क्या क्या गुण होता है जिसके वजह से हम इसका प्रयोग किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल मटेरियल के रूप में करेंगे। सबसे पहले चालक सस्ता तथा सरलता से उपलब्ध होना चाहिए, जिससे कि सामान्यतः विद्युतीय कार्य के लिए इसका उपयोग किया जा सके। पहला पॉइंट ये कहता है चालक सस्ता तथा सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। ये किसी भी गुड कंडक्टर का पहला प्रॉपर्टी है। अब इसको समझते हैं, जब तक चालक सस्ता और सरलता से उपलब्ध नहीं होगा तब तक हम इसे किसी भी इलेक्ट्रिकल कार्य में प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि कंडक्टर में चांदी भी आता है, सोना भी आता है, कॉपर भी आता है और एल्युमिनियम भी आता है। अब यहाँ से दो को लेते हैं हम लोग, एक लेते हैं चांदी और दूसरा लेते हैं कॉपर। इन दोनों में से अगर हम देखेंगे चांदी और कॉपर, ये दोनों ही कंडक्टर हैं, बट चांदी यहाँ पर बहुत कॉस्टली कंडक्टर के अंतर्गत आता है, जिसके वजह से हम चांदी का प्रयोग सामान्य इलेक्ट्रिकल कार्य में नहीं करते हैं। हम लोग सामान्यतः इलेक्ट्रिकल कार्य में या तो तांबा का या फिर एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। हालांकि चांदी और सोना भी एक अच्छे कंडक्टर है, बस इसकी चालक सस्ता तथा सरलता से उपलब्ध ना होने की वजह से यहाँ पे हम लोग चांदी और सोना को सामान्यतः विद्युत कार्य में प्रयोग नहीं करते हैं। ये पहला प्रॉपर्टी था किसी चालक के। दूसरे प्रॉपर्टी में यह कहता है चालक तन्य अथवा डक्टलाइन होना चाहिए, जिससे कि उसके द्वारा महीन तार निर्माण किए जा सके और उनका चौक, आर्मेचर आदि वाइंडिंग कार्य में प्रयोग किया जा सके। चालक का जो दूसरा प्रॉपर्टी होना चाहिए वो डक्टाइल होना चाहिए। डक्टाइल का मतलब है हम इसे पतले पतले तारों में आसानी से खींच सके। जब तक इसे पतले पतले तार में हम लोग नहीं खींच सकते तब तक इसका प्रयोग किसी आर्मेचर या फिर वाइंडिंग में नहीं करते हैं।
हम जानते हैं जो वाइंडिंग का तार होता है ये काफ़ी पतला पतला होता है, इसीलिए हम लोग वाइंडिंग में कॉपर या एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। ये प्रॉपर्टी ऑफ गुड कंडक्टर का दूसरा पॉइंट था। अब बात करते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट के बारे में। चालक टफ अर्थात मजबूत होना चाहिए, जिससे कि उससे बने तार ओवरलोड लाइन में प्रयोग किए जा सके और खींचने पर वो सरलता से टूटे नहीं। तीसरा गुण किसी गुड कंडक्टर में है, ये टफ होना चाहिए अर्थात इसमें मजबूती होना चाहिए। जब तक एक कंडक्टर मजबूत नहीं होगा तब तक हम इसे ओवरहेड लाइन में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ओवरहेड लाइन में अगर प्रयोग करेंगे तो इसमें मजबूती होना चाहिए, वरना जैसे हम लोग ओवरहेड लाइन में प्रयोग करेंगे और एक तरफ से खींचेंगे वायर बीच में क्रैक होकर टूट जाएगा। तो एक अच्छे कंडक्टर में ये गुण होना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, जिससे कि आसानी से खींचने पर भी ये टूटे नहीं। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी गुड कंडक्टर में ये कहता है, चालक आधात वर्धना अर्थात मेलेबल होना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता अनुसार उसकी चादर एवं पत्तियां बनाई जा सकती। मेलेबल का मतलब है किसी कंडक्टर का वो गुण जिसके कारण ये आसानी से पतली पतली चादर या पत्तियां बनाई जा सकती है। एक अच्छे कंडक्टर में ये गुण होना चाहिए ताकि अपने मन मुताबिक हम इसे पतली चादर या पत्तियां बना सके। फिफ्थ नंबर एक अच्छे गुड कंडक्टर में ये कहता है, चालक ऐसा होना चाहिए कि उसके जोड़ों की सोल्डिंग आसानी से की जा सके। चालक ऐसा होना चाहिए कि उसके जॉइंट में हम लोग आसानी से सोल्डिंग कर सके, मतलब एक अच्छे कंडक्टर में ये गुण होना चाहिए कि आसानी से सोल्डिंग हो सके। दो वायर का टुकड़ा हम लोग लेते हैं और हम चाहते हैं ये दो वायर के टुकड़े को आसानी से जोड़ सकें। जोड़ने का जो प्रोसेस है इसे हम लोग सोल्डिंग के द्वारा ही करते हैं, तो एक अच्छे कंडक्टर में ये गुण होना चाहिए ताकि इसमें आसानी से इसका हम लोग सोल्डिंग कर सके। ये पाँच गुड कंडक्टर के प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, चालकों का वर्गीकरण, चालकों को कितने भागों में हम लोग बांट सकते हैं। चालकों को मुख्य हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला सॉलिड कंडक्टर, जिसे हम लोग ठोसीय चालक बोलते हैं। दूसरा लिक्विड कंडक्टर, जिसे हम लोग द्रवीय चालक बोलते हैं। तीसरा गैसियस कंडक्टर, जिसे हम लोग गैसीय कंडक्टर बोलते हैं। ये तीन प्रकार के क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड कंडक्टर। ठोस चालक निश्चित आकृति एवं आकार रखते हैं। जो ठोस कंडक्टर होते हैं इसमें निश्चित आकार एवं आकृति होते हैं, जैसे सोना, कॉपर, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम इत्यादि ठोस चालक का ही उदाहरण है। दूसरा लिक्विड कंडक्टर, नाम से ही पता चल रहा है लिक्विड, जो आसानी से फ्लो हो सके उसे हम लोग लिक्विड कहते हैं। ये चालक जो आकार में स्थिर नहीं होते तथा जिनमें फ्लो होने के गुण विद्यमान होते हैं द्रवीय चालक कहते हैं, जैसे जल H2O, सिल्वर नाइट्रेट इत्यादि को हम लोग लिक्विड कंडक्टर कहते हैं। तीसरा गैसीय चालक, कोई भी गैस आदर्श गैस चालक नहीं होता है, मतलब ये जो गैस होता है ये प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करता है, इसे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट कराने के लिए इसमें थोड़ी मात्रा में लवण मिलाया जाता है, जिससे कि यह आसानी से आयनीकृत होकर एक अच्छे गैसीय चालक की भांति कार्य कर सके। कुछ गैस जैसे हीलियम, आर्गन, नियोन गैसीय चालक का भांति व्यवहार कर सकता है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर में हम लोग सॉलिड कंडक्टर, लिक्विड कंडक्टर और गैसीय कंडक्टर के बारे में पढ़े। आने वाले वीडियो में हम लोग इंसुलेशन मटेरियल और सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे।